पुलिस की आवाज न्यूज क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अभी मौजूद है मथुरा के दैसिंगपुरा में, कुंभ मेले को लेकर जगह जगह तैयारियां चल रही है। इसी श्रृंखला में मथुरा में एक रोड सीसी रोड बनाया जा रहा है। सीसी रोड पे जैसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी खामियां सामने आ रही हैं। स्थानीय लोग बहुत परेशान है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि ये जो रोड बना है बहुत थर्ड क्लास क्वालिटी के मटेरियल से बना है और साइड में जो टाइल्स लगाई जा रही है वो भी गलत तरीके से लगाई जा रही है। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। ये भाई यहाँ पे टाइल लगा रहे हैं, थर्ड क्लास तरीके से टाइल जो है वो लगाई जा रही है। जिस तरीके से अगर स्थानीय लोगों को कहना कि इस तरीके से अगर टाइल लगती है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 दिन ही चल पाएंगे। हमारे साथ एक दुकानदार है, आइए बात करते हैं इनसे कि क्या कहना है कैसे विकास कार्य को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा बिहारी। बिहारी जी बताएं, ये जो विकास कार्य चल रहा है इसको लेके आप क्या कहेंगे? पानी दुकान और का हो नहीं, ये जो गाड़ी आएंगी गाड़ी छीट मारेंगी ना पे कचौड़ी बेकार आएंगी सब्जी हमारी तो। ये जो विकास कार्य हो रहा है क्या ये सही मटेरियल से हो रहा है? गलत हो रहा है ये भाई, गलत हो रहा है। और ऊंची सड़क बनाई है, दुकान नीची पड़ गई सब्जी, दुकान उठवानी पड़ेंगी। ये जो टाइल्स आपके दुकान के सामने लगाई जा रही है, टाइल का लगा रहे हैं, आधी टाइल लगा रहे हैं, आधो नालो बना रहे हैं, दुकान में पानी घुसे हो नालो को बनो बनने को आधी आधी टाइल लगा देंगे। तो यहाँ से पानी निकासी के लिए भी कुछ नाली बेकार है, चौक पड़ी है, चौक पड़ी है। ये कितने समय से चौक पड़ी हुई है नालियाँ? काफी देर हो गए, काफी सालों तो से। आज ये जो विकास कार्य कुंभ को लेके किया जा रहा है, आधी टाइल लगाई जा रही है, जल्दी के मारे पूरा माल नहीं हो रहा, मतलब काम नहीं कर रहे, लबा पूरी करके सीधा घर जा रहा है, ये काम हो रहा है। आपने स्थानीय निवासियों को सुना, उन्होंने कहा जो विकास कार्य हो रहा है स्थानीय जो निवासी है उनको इससे बहुत सारी समस्या है। पानी का निकास नालियां हैं, वो भी काफी समय से चौक पड़ी हुई है। अब जब समय हमारी टीम यहाँ पहुंची तो आप देख सकते हैं कैमरे में किस तरीके से ये लोग ईंटों को उखाड़ना शुरू कर दिया, उसको सही तरीके से लगाने के लिए मेहनत कर रहे। जब मीडिया टीम का कैमरा यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो लोग ये जागरूक हुए और टैलों को यहाँ से हटा के सही तरीके से लगाने की कोशिश की गई। इसी श्रृंखला में हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर जुड़े हुए हैं, बात करते हैं इनसे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बात करो ना, कौन है आप? तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर। देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, जब हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि आप इनसे बात कीजिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम आपका? देवेंद्र सिंह जी, ये जो विकास कार्य हो रहा है इसको लेके आप क्या कहेंगे? विकास कार्य हो रहा है, एक महीना के लिए काम शुरू हो रहा है, कुंभ की वजह से रोड चौड़ा होगा, इसलिए ये टेम्परेरी काम, इससे आम जनता को कोई परेशानी न हो इसलिए ये काम कराया जा रहा है। कच्चा रहने से तो पक्का हो जाएगा, एक महीने बाद भर करके फिर दोबारा से रोड चौड़ा। स्थानीय निवासियों की शिकायतें हैं कि आप इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, वो कार्य सही नहीं किया जा रहा है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? स्थानीय निवासी तो जो कह रहे हैं कच्चे पर और हिंदू है और कच्चे छोड़ रहे हैं, हम तो अपनी सुविधा से लगा रहे हैं। आप अपनी सुविधा से लगा रहे हैं, हमको खाली जितना होगा, एक फुटा है, डेढ़ फुटा है, जितना भी जगह जो खाली है, सी सी रोड से टैल जो पहले लगी हुई है ऑलरेडी लगी हुई है, उनके बीच में जो एक डेढ़ फुट जगह है जो हमको पूरी से निकलना चाहिए। तो वो टैलों को ऊपर लगाई जा रही है या फिर टैलों को हटा के दोबारा से लगाई जा रही है? टैलों को सीमित लेवल में लगाई जाएंगी, चुके पर लगा के पानी नीचे की तरफ जाए, रोड बना। सिर्फ कार्य जो किया जा रहा है केवल एक महीने के लिए किया जा रहा है, एक महीने बाद सड़क चौड़ी होगी फोन लाइन, इसलिए दोबारा उखाड़ेंगे, सीवर चैम्बर भी बनेंगे, यहाँ भी काम होना है बाकी। तो वो भी आप ही करेंगे? लोगों का कहना है कि जो आपने मटेरियल लगाया है वो बहुत थर्ड क्वालिटी का लगाया है, उसको लेके आप क्या करेंगे? और लोग तो क्या क्या बताएंगे, मटेरियल बना हुआ है आरएमसी से, कोई मटेरियल हमने तो बनाया नहीं है घर में। आपने इनको सुना, इन्होंने कहा कि जो तो मटेरियल है वो आरएमसी से बना हुआ आया है, हमने घर पे नहीं बनाया है। और इन्होंने बताया कि कार्य सिर्फ एक महीने टेम्परेरी तरीके से एक महीने के लिए किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा आगे की बात, हमारा कैमरा आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड को जो है बनाया गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस तरीके की आप देख सकते हैं किस तरीके की कील ये यहाँ पे रोड पे निकली हुई है, अगर कोई वाहन आता है किसी का भी टायर फट के कोई भी दुर्घटना हो सकती है,
मगर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके की दरार आ रही है रोड में, मतलब एक हफ्ते पहले बनी हुई रोड में, किस तरीके से जो आप कैमरे में तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके के हालात अभी सिर्फ बनते टाइम पे हैं। पुलिस की आवाज़ के लिए डीएल पांडे की रिपोर्ट, पकड़ा।